हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर रश्मीज़ होम्योपैथी। फ्रेंड्स, ये जो ड्रिंक मैं सिप कर रही हूँ, इट इज़ अ डिटॉक्स ड्रिंक। और आज का हमारा वीडियो भी डिटॉक्स के ऊपर है, यानी कि डिटॉक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, इसको करने का सही तरीका क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है, साथ के साथ कौन से ऐसे लोग हैं जिनको डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिटॉक्सिफिकेशन को पूरी डिटेल में समझेंगे और इसके हेल्थ बेनिफिट्स को जानकर डिटॉक्सिफिकेशन को अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है। डिटॉक्स, डिटॉक्स का मतलब है टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से डिलीट करना। तो हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट होते रहते हैं। बाहर से तो हम अपने शरीर को क्लीन कर लेते हैं, सोप से क्लीन कर लेते हैं, हेयर में जो गंदगी है, जो केमिकल्स जमा हो रहे होते हैं उसको डिलीट कर लेते हैं, उसको क्लीन कर लेते हैं। बट हमारे शरीर के अंदर, यानी लिवर में, इंटेस्टाइन्स में, हमारे लंग्स में, हमारे हार्ट में बहुत सारी ऐसी अनवांटेड केमिकल्स, रेजिड्यूज इकट्ठे होते रहते हैं, जिनको टाइमली अपने शरीर से बाहर निकालना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब के टाइम में डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन में आ रहा है, इसका एक रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि इस टाइम पे खाने पीने की जितनी भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब में कोई ना कोई अल्ट्रेशन है, सब में कोई ना कोई मिलावट है। अगर हम कहते हैं कि मिल्क पियो, मिल्क पीने से आप स्ट्रांग रहोगे, आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, आपको इम्पॉर्टेंट कैल्शियम मिलेंगे, लेकिन मिल्क में भी अल्ट्रेशन है। हम फूड लेने के लिए बोलते हैं, सीरियल्स में अडल्ट्रेशन है। हम फ्रूट्स लेने के लिए बोलते हैं, उसमें अडल्ट्रेशन है। हम वेजिटेबल्स लेने के लिए बोलते हैं, उसमें भी बहुत तरह के केमिकल्स, बहुत तरह के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स मिले होते हैं। और इनको लगातार हम जब खाते रहते हैं तो हमारे शरीर से ये सही से निकल नहीं पाते हैं और इकट्ठा होते रहते हैं। तो इन्हीं टॉक्सिन्स से छुटकारा पाने के लिए, इन्हीं टॉक्सिन्स को शरीर के अंदर से निकालने के लिए होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन करने से आपके शरीर में केमिकल्स निकल जाते हैं, आपका शरीर अपने आप को रिन्यू करता है। जैसे हम फ़ोन को रिबूट करते हैं, हम फिर से सारी चीज़ें उसकी सेटल डाउन करते हैं, इसी तरह से हम अपने शरीर के केमिकल्स को निकाल करके अपने शरीर को रिबूट कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे शरीर में नई एनर्जी आती है, नई ताकत आती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो बहुत सारे अनगिनत बेनिफिट्स होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन सबके लिए ज़रूरी है ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने खाने पे कंट्रोल करते हैं, मेडिसिंस लेते हैं, वॉकिंग करते हैं, सो मेनी थिंग्स दे डू, बट उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इसका मतलब है कि उनके शरीर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं जो शरीर से बाहर इन्हें निकल रही हैं। तो जिन लोगों को वज़न कम करना है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस मतलब बहुत ज़्यादा शरीर में दाने पड़ रहे हैं, PCOD की प्रॉब्लम है आपको, मेंसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मीनोपॉजल फीमेल्स यानी जिनको पीरियड्स ख़त्म होने वाले हैं, उनको मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, तो इन सारी कंडीशंस में, या जिन लोगों को गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम है या बहुत सारे और हार्मोनल कंडीशंस हैं, तो उन लोगों के लिए भी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा मेंटल इलनेस जिनको है, जिनको नींद नहीं आती है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, मूड स्विंग्स हैं, इन सभी चीज़ों के लिए, इन सारी कंडीशंस में डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत लोग होते हैं जिनके हेयर फॉल होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनको कोई स्ट्रेस भी नहीं होता है, नींद भी सही आ रही होती है, लेकिन उनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं सही हो रही है। तो हेयर फॉल के केसेस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है।
अगर इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है या आपको बहुत ज़्यादा शरीर में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है या शरीर में खारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब है कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल्स इकट्ठे हो गए हैं, तो उनको भी निकालना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है, स्पेशली सुबह सो के उठने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं फील करते हैं और शाम तक आपकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, इन सारी कंडीशंस में भी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हों तब आप डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिनको डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले लोग जिनको डिटॉक्सिफिकेशन से दूर रखना चाहिए, अगर उनको किसी भी तरह का कैंसर है, किसी भी बॉडी पार्ट का कैंसर है, उनको नहीं करना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको नहीं करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उनको भी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, बच्चों को फीड कर रहे हैं, उनको भी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए। साथ के साथ अगर आप किसी भी चीज़ की मेडिसिंस ले रहे हैं तभी भी आप डिटॉक्सिफिकेशन डॉक्टर की सलाह से ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिटॉक्सिफिकेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग अल्कोहलिक्स हैं, जो लोग किसी भी तरह का ड्रग एडिक्शन करते हैं, टोबैको लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या जिन लोगों की बहुत स्ट्रांग मेडिकेशंस चली हैं, जैसे साइकेट्रिक पेशेंट्स जो होते हैं जिनकी बहुत लंबी दवाइयाँ चलती हैं, या हाइपरटेंशन की या डायबिटीज़ की, तो जो लोग भी बहुत स्ट्रांग मेडिसिंस लेते रहे हैं, किसी भी और चीज़ के लिए मेडिसिंस लेते रहे हैं, जैसे कोई सर्जरी वगैरह हुई है, तो अगर आपके शरीर में बहुत लंबा ट्रीटमेंट आपका चला है तभी भी आप डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूर करें। तो हमारे शरीर में जो जितनी भी हम मेडिसिंस खाते हैं उन सबको निकालने का काम, प्रोसेस तो हमारा लीवर करता है बट उनको शरीर से निकालने का काम किडनी का होता है। तो अगर आप कोई भी मेडिसिंस खाते हैं तो दोनों चीज़ों पर असर पड़ता है, आपके लीवर पर भी असर पड़ता है, आपकी किडनीज पर भी असर पड़ता है। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत हमारे लीवर और हमारी किडनी को होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या टिप्स या क्या कंडीशंस होती हैं अगर आपको डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट करनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन आप रैंडमली नहीं स्टार्ट करें कि चलो मैं कल से स्टार्ट कर देता हूँ, चलो मैं आज से ही स्टार्ट कर देता हूँ। डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने दो दिन फॉलो किया उसके बाद सब भूल गए, शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा आपको एंथुजियाज़म था, बहुत अच्छे से आप कर रहे थे, फिर से आप नॉर्मल अपने रूटीन में आ गए। तो अगर आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो एक प्लान बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। पहली चीज़ है कि अगर आप किसी भी तरह का एडिक्शन है आपको, अल्कोहल का है, टबेको का है, या ड्रग एडिक्शन है, तो उसको आप छोड़ दें, क्योंकि आपको अगर केमिकल्स आप बाहर से ले ही रहे हो तो शरीर से बाहर जो केमिकल्स निकाल रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इनपुट आप कम करें तभी आउटपुट करने का कोई फ़ायदा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो खाने पे बिल्कुल अलर्ट रहें, खाने पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें, खाने में अच्छी तरह से वेजिटेबल्स लें, जैसे फाइबर वाली चीज़ें लें, कैरेट है, कुकुम्बर है, या रेडिश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीट रूट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये 4-5 चीज़ें अपने डाइट में शामिल करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप ज़रूर कुछ ट्राई कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपको स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के थ्रू भी बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अगर आपका स्वेट बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, बहुत ज़्यादा स्मेल वाला है, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर केमिकल्स ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं और इसके कारण ही आपका जो स्वेट है उसमें केमिकल्स आ रहे हैं, उसी से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। या बहुत से लोग होते हैं जिनको स्वेटिंग में स्टेनिंग होती है, कलर दाग पड़ जाते हैं, स्टेनिंग होती है, वाइट कलर का स्पॉट पड़ सकता है या येलोइश कलर का स्पॉट पड़ता है, इसका मतलब है शरीर में आपके बहुत ज़्यादा या तो केमिकल्स इकट्ठे हो गए हैं या तो आप पानी कम पीते हैं। तो इसी बात से मैं बता देती हूँ कि अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन आप कर रहे हैं तो पानी भी अच्छी क्वांटिटी में पीना है, कम से कम 2 लीटर पानी पूरे दिन में आपको ज़रूर पीना है, और इसके साथ में आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। तो डीप ब्रीदिंग में आपको बहुत अच्छे से इनहेल करना है फिर एक्सहेल करना है। तो आप बहुत डीप ब्रीदिंग अगर करते हैं तो आपके पूरे शरीर में थॉरली ऑक्सीजन जाती है। तो ये 5-6 कंडीशंस जो मैंने बताए कि आप डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आप इनको कर लें। अब चलिए हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स की। तो आज मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स बताऊंगी,
ये तीनों ड्रिंक में आपको हर चीज़ घर में ही अवेलेबल है। इसको बनाना बहुत इजी है और इसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और इसीलिए अगर आप एक बार इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको रुकने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलेंगे कि मेरे घर में अवेलेबल नहीं था। ये तीनों चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं और गर्मियों के हिसाब से ये डिटॉक्स ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ना सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं बट आपकी स्किन की, आपकी बॉडी की हीलिंग का काम करते हैं, आपकी बॉडी को सूदिंग का काम करते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है ना सिर्फ आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाते हैं बल्कि आपकी स्किन की जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करते हैं। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा रिंकल्ड हो रही है उसको इम्प्रूव करते हैं और बहुत सारे इसके अनगिनत बेनिफिट्स हैं। फ्रेंड्स, बात करती हूँ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ड्रिंक की। पहला इम्पॉर्टेंट ड्रिंक है हमारा ऑरेंज, कैरेट और बीटरूट प्लस जिंजर। तो ये चार चीज़ें आपको लेनी है और इसको ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर में, उसके बाद इसको छान लेना है। जो लिक्विड निकलता है इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव, बहुत ही सुपर डिटॉक्स ड्रिंक है ये। इसके अंदर ऑरेंज है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपको फ्लू वगैरह जल्दी जल्दी नहीं लगेंगे, आपकी जॉइंट्स का जो पेन है वो जाता रहेगा। और साथ के साथ इसमें है बीटरूट, बीटरूट से आपका ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है और साथ के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ये ठीक करता है। इसमें है कैरेट, कैरेट से आपकी आंखों की रोशनी बहुत इंप्रूव होती है, विज़न अच्छा होता है, स्किन का ग्लो अच्छा रहता है क्योंकि इसमें है विटामिन ए। और साथ के साथ जिंजर जो कि सुपर्ब है, ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जिंजर में। तो इन चारों चीज़ों को लेके आपको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद इफ़ यू वॉन्ट आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, बट डिटॉक्स ड्रिंक में सॉल्ट नहीं ऐड करके आप नॉर्मल ऐसे ही यूज़ करें। तो पहला डिटॉक्स ड्रिंक ये हो गया, इसको वंस अ वीक ज़रूर यूज़ करें और अगर ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं, मतलब वीक में दो बार कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो पहला डिटॉक्स ड्रिंक हमारा रेडी है। फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरे डिटॉक्स ड्रिंक की। तो हमारा दूसरा डिटॉक्स ड्रिंक ये है जो मैं अभी पी रही थी, ये मेरा फेवरेट डिटॉक्स ड्रिंक है। इसमें मैं ऐड करती हूँ कुकुम्बर, मिंट, जिंजर और लेमन। तो फ्रेंड्स, इन चारों चीज़ों को आपको मिक्स करके ब्लेंड करके रख लेना है। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो आप इसको पी सकते हैं। तो इसमें है कुकुम्बर, बहुत ज़्यादा अच्छा है, गर्मियों के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स मिलते हैं। और साथ के साथ इसमें जिंजर है और मिंट, मिंट इज़ माई फेवरेट फ्लेवर और मिंट के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। मिंट में होता है पोटेशियम जो ब्लड से रिलेटेड हर प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा है, आप इसको फ्रीज करके रख सकते हैं और इसको भी आपको वीक में दो बार लेना है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी स्किन के लिए सुपर्ब है, आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है और इंटरनल बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकालने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटॉक्स ड्रिंक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन टी डिटॉक्स ड्रिंक। तो ग्रीन टी डिटॉक्स ड्रिंक में बहुत ईजी है ये, क्योंकि ग्रीन टी को हम बॉयल करके नहीं यूज़ करेंगे। इसमें हम ठंडे पानी में आप ग्रीन टी को भिगो के रख दें, उसके बाद उसको छानने के बाद उसमें जिंजर जूस ऐड कर सकते हैं और साथ के साथ इसमें लेमन ऐड कर दें और 1 स्पून हनी ऐड करके इस ड्रिंक को रेडी करें। ये ड्रिंक उनके लिए बहुत अच्छा है जिनके अंदर किसी भी तरह के शरीर में इन्फ्लामेशंस हो रही है, शरीर में कोई सूजिश हो रही है, शरीर में कोई इचिंग हो रही है या शरीर में किसी तरह के पेन वगैरह हो रहे हैं, जॉइंट पेन्स वगैरह हो रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक है। तो ये तीनों डिटॉक्स ड्रिंक जो हैं आप वीक में दो बार यूज़ करें फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो गई है, शरीर में डिटॉक्स होना स्टार्ट हो गया है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा आपको एनर्जी में लो आप फील कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है, थोड़ा सा मूड स्विंग हो सकता है, क्योंकि शरीर से जब आपके टॉक्सिन्स निकलेंगे तब आपको 2-3 तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको कोल्ड हो, क्योंकि शरीर से केमिकल्स निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, तो हो सकता है आपको कोल्ड के थ्रू वो केमिकल्स निकलें, या शरीर में बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। पोर्स जो होते हैं, हमारे स्किन के पोर्स होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग के थ्रू सारे केमिकल्स निकल सकते हैं। या बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आपको लूज़ मोशन वगैरह हो सकते हैं, उससे भी ये केमिकल्स निकलते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन सही से हो रहा है तो अगर ये तीनों सिम्टम्स आते हैं तभी भी हो रहा है, और अगर आपको जल्दी डिटॉक्सिफिकेशन के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप थोड़े टाइम तक ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको थोड़ी सी वीकनेस लगेगी, थोड़ी सी इरिटेबिलिटी लगेगी, कॉन्स्टिपेशन भी कई बार होता है, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको हो, या नौजिया या हेडेक भी हो सकता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन कुछ सिम्टम्स देता है, लेकिन ये सारे सिम्टम्स देने के बाद, डिटॉक्सिफिकेशन पूरा होने के बाद, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, मूड स्विंग आपके सही हो जाएंगे, आपकी नई एनर्जी आएगी और साथ के साथ आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी इम्प्रूव होगा। फ्रेंड्स, बहुत तरह के और डिटॉक्स ड्रिंक्स भी होते हैं, जैसे एप्पल सिडार विनेगर है या वीट ग्रास है, ये सारे भी होते हैं, लेकिन मैंने जो आपके साथ शेयर किया है वो उसको बनाना भी बहुत ईजी है और उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये डिटॉक्स ड्रिंक्स को सबको यूज़ करना चाहिए, जो प्रिकॉशंस मैंने बताए उसको ध्यान में रखते हुए इसको यूज़ करना चाहिए, और ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए कि सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन करने से कुछ नहीं होता है, साथ के साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पीटो डिटॉक्स ड्रिंक रहे हैं लेकिन बाहर का खाना खा रहे हैं, बाहर से फ्राइड चीज़ें लेके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, स्वीट्स खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, या चिप्स वगैरह खा रहे हैं, बिस्किट्स वगैरह खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो हमारे शरीर से सैचुरेटेड फैट्स को निकालने के लिए तो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। तो जब तक आप डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, डिटॉक्स ड्रिंक ले रहे हैं, तब तक अपने खाने को बिल्कुल लिमिटेड रखें, बिल्कुल बैलेंस रखें, घर का बना हुआ बिल्कुल शुद्ध सात्विक खाना खाएं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन है डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में। आप ज़रूर ये ड्रिंक्स को घर पे ट्राई करें, अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर एक कराएं, क्योंकि ये जो ड्रिंक होता है ये बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पैनिक के, बिना किसी एफर्ट के आपको मिल जाता है, बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो बहुत सारे अपने शरीर को क्लीन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसको सब लोग घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे कि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।